हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का स्टार्टअप अथॉरिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप स्टार्टअप के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप एक ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जिस बिजनेस का अगर पूरा कंप्लीट सेटअप आपने कंप्लीट कर दिया तो यहां पर करोड़ों का मुनाफा होगा, ये बिल्कुल गारंटी है। क्योंकि इस कंप्लीट सेटअप के साथ जो भी बिजनेस कर रहा है उसको करोड़ों का मुनाफा हो रहा है। लेकिन उस कंप्लीट लाइफ साइकिल के तरफ में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस कंप्लीट लाइफ साइकिल में बहुत सारी स्टेजेज होती हैं, बहुत सारी प्रोसेसेज होती हैं जिसको आपको यूटिलाइज करना पड़ता है और लगाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे तरीके के बारे में, उसके इनिशियल स्टेज के तरीके के बारे में जो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है, लेकिन आप जो है अगर मेहनत करें तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप जो है 2000 से 3000 रुपया डेली का इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, ये कौन सा बिजनेस है जिसमें आपको इतना फायदा होगा? लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बिजनेस हमेशा वही सही होता है जिस बिजनेस में आपको पैसे भी मिले, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो और उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन नहीं मिला तो हो सकता है कि आपका बिजनेस सक्सेस ना हो। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में जो पैसा भी देगा आपको, मालामाल भी कर देगा आपको, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा और साथ ही साथ आजकल की जितनी भी MSME है जो गवर्नमेंट के तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, दोस्तों इस बिजनेस में आपको भी मिल सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले करूंगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो जब भी आप लेकर के आ जाए सीधे आपके इनबॉक्स में सबसे पहले भेज दिया जाए, ताकि आप जो है हमेशा अपडेट रह सकें। कोई भी बिजनेस का काम करने जा रहे हैं तो कम से कम ये आइडियाज आपके डिसीजन को बना सके, आइडियाज आपको बेस्ट डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर सके। इसलिए स्टार्टअप अथॉरिटी पर आजकल मैं इस तरह के वीडियोस को लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों, अब टाइम नहीं खराब करेंगे, सीधे चलते हैं मुद्दे पर और बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आपने बोटल्स को देखा होगा, बहुत सारे जगह पे बोटल्स जो है वो फेंके गए रहते हैं, स्कैटर्ड होते हैं कई जगह से। लोगों को आपने देखा होगा कि उसमें से उसने बोतल को उठाते हैं और उसको बोतल को उठा लेते हैं और लाद करके कहीं ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज बता दूं कि धंधा जितना गंदा होता है माल उतना ही ज्यादा निकलता है। क्या आपने कभी इस बोतल से बनने वाली जर्सी को पहना है? क्या आपने इस बोतल से बनने वाली थाली में खाए हो? अगर आप कह रहे हो कि नहीं तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इससे शायद आपका दिमाग जो है वो खुल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक बोतल क्रशिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज के टाइम में अगर मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेकर के जाते हैं बेचने के लिए, तो दोस्तों जो रेड कलर की वेराइटी होती है उसकी प्राइस 64-65 रुपया किलो होता है। दोस्तों, जो स्क्रैप है वो स्क्रैप अगर ब्लैक कलर की है, दूसरे कलर की है, तो उसकी प्राइसेज अलग होती है, व्हाइट कलर की प्राइसेज अलग होती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसका रॉ मटेरियल आपको जो है दुकान से मात्र 20 रुपया किलो में मिल जाएगा, वो भी मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो लड़के बिटोरते हैं, लड़के जो बॉटल्स को लेकर के आते हैं और ले जाकर के कहीं कबाड़ी में बेचते हैं, वो कबाड़ी वाला 20 रुपया में आपको जो है ये प्रोडक्ट उपलब्ध करवाता है, ये बॉटल्स जो है वो उपलब्ध करवाता है। अब इसके बाद से आपको एक मशीन का इस्तेमाल करना होगा और उस मशीन से क्रशिंग करना होगा, उस मशीन से उस स्क्रैप का निर्माण करना होगा, और इस स्क्रैप की जो कीमत है, जो 20 रुपए के अंदर आपने खरीदा है, उसको 50 से 65 रुपए की कीजो के हिसाब से आप जो है मार्केट में बेच सकते हैं। कहाँ बेच सकते हैं, कौन सी ऐसी लोकेशन है, किस तरह से आपको मशीनरी मिलेगी, किस तरह से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, उन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, लाइव दिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं एक एक चीज के बारे में। सबसे पहला फेज जो आता है इस बिजनेस का, वो होता है कि आप जो है बॉटल्स को कलेक्ट करें, और बॉटल्स को कलेक्ट करने के लिए कबाड़ी का दुकान सबसे बेस्ट रहता है। कबाड़ी के दुकान से जाइए और बॉटल्स को कलेक्ट कीजिए। बॉटल्स कलेक्ट करने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है दोस्तों, उसमें यह होता है कि जो बॉटल का निक होता है, जो बॉटल का ढक्कन होता है, उसको बाहर निकालना। उसको बाहर निकालने के लिए भी मशीनरी आती है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैनुअल तरीके से भी उसको निकाल सकते हैं। कि अगर आप बोतल का कलेक्शन कर रहे हैं तो वहां पर इस बात का खासा ध्यान रखना कि कलर के साथ सेग्रीगेट किया जाए, मतलब रेड कलर अलग, ग्रीन कलर अलग, येलो कलर अलग, और भी कलर जो भी होगा वो अलग अलग कलर का अलग अलग हम लोग क्रेसेस करें, अलग अलग हम लोग स्क्रैपिंग करें।
ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको मिक्स करने के बाद प्राइस डाउन हो जाता है। प्राइस ज़्यादा लेना है तो आपको अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग हट के आपको जो है इस बिजनेस को अंजाम देना होता है। तीसरा स्टेप आता है कि आपको जो है उस बोतल को क्रश करना है, उस बोतल को तोड़ना है। तोड़ने के लिए भी मशीनरी आती है जो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके अलग कर देती है। चौथा स्टेप आता है कि जो आपने बोतल को क्रश किया है उसको क्लीन अप करें, क्योंकि क्लीन प्रोडक्ट का प्राइस जो है वही सबसे ज़्यादा होता है। अब आप कुछ भी क्लीन अप करके अगर हम मार्केट में लेकर के जाएंगे तो वहाँ से वो नहीं बिकेगा। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि किस तरह से इस चीज़ को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह से इस चीज़ को करा जा रहा है। दोस्तों इसके लिए, इसको क्लीन अप करने के लिए भी एक मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें गर्म पानी को डाला जाता है और उसमें इस बॉटल्स को, क्रशर्स को डाला जाता है, जिससे कि पानी के साथ साथ इसकी गंदगी बाहर हो जाए और साथ ही इसका जो क्रश है वो बाहर निकले, इसका जो स्क्रैप है वो बाहर निकले और वो भी बिल्कुल क्लीन होकर के। अब बात आ जाती है दोस्तों कि आपने इसको क्रश कर लिया, धुल लिया, सब कुछ कर लिया। अब इसके बाद जो फाइनल स्टेज आता है वो होता है ड्राइंग का। आप जो है इसको ज़मीन पर भी सुखा सकते हैं, बहुत सारे ड्रायर्स भी आते हैं जिसके अंदर आप मशीनरी के अंदर डाल सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट बिजनेस मॉडल है दोस्तों, यहाँ से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है ये बन करके तैयार हो जाता है। अब जैसे एक बार ये फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बन करके रेडी हो गया तो इसको मार्केट में ले जाने के लिए आपको जो है दो तरीके का इस्तेमाल करना होगा। आप एक बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कभी भी इस प्रोडक्ट को 1 kg 2 kg के हिसाब से नहीं कोई खरीदता है। जब भी कोई खरीदता है 100 kg 200 kg 300 kg ही खरीदता है। इसलिए अगर आप इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बल्क में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करें, क्योंकि आज जिस मशीन के बारे में मैं दिखाऊंगा वो मशीन जो है बहुत हैवी मशीन है, वहाँ से बहुत ज़्यादा डेली का प्रोडक्शन जो है आपका हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर मशीनरी कहाँ से मिल सकती है। तो दोस्तों आप मशीनरी जो है आप हमारी वेबसाइट www.startupauthority.in से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इंडिया मार्ट से भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको यहाँ पर सर्च करना होगा पेट बोतल क्रशिंग मशीन। आप जो है इस तरह से देख सकते हैं, ये मशीन जो है आपको 1 lakh के अंदर जो है आपको बहुत आराम से मिल जाती है। और अगर मल्टीपल लेना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे प्राइसिंग जो है आपको थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। इसके बाद से जो दूसरा स्टेप आता है दोस्तों, मशीनरी परचेज करने के बाद कि आप जो है इसमें से कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं कुल मिलाकर के प्रॉफिट कैलकुलेशन की। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपने इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 20 rupees kg पर आपने खर्च किया और आपने इस प्रोडक्ट को वहाँ से ख़रीदा जहाँ से बच्चे ला करके छोड़ते हैं, यानी कबाड़ी की दुकान से। दोस्तों एक बार ही आपने इस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया तो इसके जो मटेरियल्स हैं, इसके साथ जो एडिशनल खर्चे लगते हैं, जो ड्राइंग में, क्लीनिंग में जो भी टाइम लगता है, जो भी लेबर कॉस्ट लगता है, वो पर केजी पर दोस्तों 10 rupees जोड़ के चलते हैं, तो 30 rupees के करीब का आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करना है। और दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे लो क्वालिटी की जो माल है वो जो है आपको 50 rupees kg से लेकर के 60 rupees तक बिकता है, और रेड वाला जो माल है वो 65 rupees से लेकर के 80 rupees तक बिकता है। तो दोस्तों अगर 65 rupees, अगर 60 rupees, जो 50 rupees, सबको छोड़िए अगर 50 rupees का मैं कैलकुलेशन लेके चलता हूँ तो यहाँ पर केजी आपको जो है कम से कम 20 rupees का फायदा जो है वो होने वाला है। इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करें, 100 kg डेली अगर बेच देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा, तो दोस्तों तो अगर आप जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बाद सारी चीज़ों को निकाल देते हैं तो आपको जो है 2000 rupees डेली का मिलता है। अगर आप 30 दिन तक लगातार इस चीज़ को सेल करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 60,000 rupees की इनकम जो है वो हो सकती है। ये सिर्फ एक पार्ट है उस बिजनेस का जो मैं बिजनेस की बात स्टार्टिंग में किया था। दोस्तों इस बिजनेस के अलावा अगर आप जो है इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि उसके आगे के स्टेप भी हमें जाननी है, तो हम जो है उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब दोस्तों आपने माल का तैयारी कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया, सब कुछ आपका रेडी हो गया है, अब मार्केट में आ गया है आपका प्रोडक्ट, अब आपको इसको बेचना है। कैसे बेचोगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी आप सर्च करते हैं, आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको जो है बहुत सारी ऐसी कंपनियां मिलती हैं जो इस बोतल के स्क्रैप को बहुत आराम से परचेज करती हैं। आपको इंटरनेट पे कॉल घुमाना है, आपको जो है वहाँ पे कॉल करना है, उनसे बात करनी है, अपने प्रोडक्ट की सैंपल दिखानी है और आपको उस प्रोडक्ट को सेल कर देना है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सेल जो है वो गारंटेड होना है, इसके अलावा इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आप इसको पक्का तौर पर बेच सकते हैं। और दोस्तों आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से 20 rupees के सामान को 50 rupees में बेच करके और बेहतर से बेहतर इनकम जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने तमाम दोस्तों के पास,
जो भी बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं या बिजनेस करने की सोच रहे हैं, ताकि उनको भी इस तरह के इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और घर से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। जय भारत।